8 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड ने इस दुनिया से अंतिम विदाई ले ली है। कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। डॉक्टर उनकी लगातार बिगड़ती सेहत को लेकर काफी चिंता में थे। महारानी एलिजाबेथ ने 96 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में महारानी एलिजाबेथ ने अपने शासन की 17वीं वर्षगांठ मनाई थी। 25 साल की उम्र से लेकर अब तक क्वीन एलिजाबेथ ने ब्रिटेन के शाही परिवार की अगवाही की है। अब लगभग 7 दशक गुजर चुके हैं जब क्वीन एलिजाबेथ शाही परिवार और ब्रिटेन की रियासत को संभाल रही थी। कैसे एक महिला ने लंबे वक्त तक तमाम मुश्किलों के बीच ब्रिटेन पर शासन किया, आइए उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों पर नजर डालते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 अप्रैल 1926 को क्वीन एलिजाबेथ का जन्म हुआ था। एलिजाबेथ का पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी वेंडसर था। उनकी एक बहन थी जिनका नाम मार्गरेटा रोज था। मार्गरेटा का जन्म 1930 में हुआ था। दोनों की शिक्षा घर पर ही हुई थी। एलिजाबेथ सेकेंड के पिता किंग जॉर्ज सिक्स ने 1936 में अपने भाई एडवर्ड 8 के त्याग के बाद सिंहासन ग्रहण किया। किंग जॉर्ज सिक्स को ब्रिटेन और ब्रिटिश उपनिवेश भारत का सम्राट बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एलिजाबेथ ने सहायक क्षेत्रीय सेवा में सेवा करते हुए सार्वजनिक कार्यालयों में प्रवेश किया। राजकुमारी एलिजाबेथ राजकुमार फिलिप से 1934 में पहली बार मिली थी। उस समय वह मात्र 13 वर्ष की थी। सन 1947 में जब भारत आजादी की तैयारी में जुटा हुआ था, उस समय उन्होंने फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, ग्रीस और डेनमार्क के पूर्व राजकुमार से शादी की। फिलिप एक ग्रीक राजकुमार थे जिनके परिवार को 1922 में देश से तब निकाल दिया गया था जब वह शिशु ही थे। इसके बाद क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का विवाह 1947 में प्रिंस फिलिप से हुआ था। उनकी शादी के मौके पर ब्रिटेन में जमकर जश्न मनाया गया था। शादी के बाद प्रिंस फिलिप ब्रिटिश राजघराने में कामकाज संभालने लगे। शादी के बाद 1952 में एलिजाबेथ और उनके पति प्रिंस फिलिप केनिया के दौरे पर थे, तब उनके पिता किंग जॉर्ज सिक्स की फरवरी में मौत हो गई। पिता की मौत की खबर पाकर वह आधे दौरे को अधूरा छोड़कर ब्रिटेन वापस आ गई। पिता की मौत के समय क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की उम्र मात्र 25 साल थी। जिस दिन उनके पिता की मौत हुई थी उसी दिन यानी 6 फरवरी 1952 को एलिजाबेथ सेकेंड ब्रिटेन की महारानी नियुक्त हुई। बाद में 2 जून 1953 को उनका औपचारिक रूप से राज्याभिषेक किया गया था। राज्याभिषेक के बाद एलिजाबेथ सेकेंड स्वतंत्र देशों यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान अभिराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और सिलोन की शासक रानी बनी। उनका राज्याभिषेक समारोह अपने तरह का पहला ऐसा राज्याभिषेक था जिसका दूरदर्शन पर प्रसारण हुआ था। वहीं 1956 से 1992 के दौरान विभिन्न देशों को स्वतंत्रता मिलते रहने से उनकी रियासतों की संख्या कम होती गई। तब से लेकर अब तक वे ब्रिटेन की महारानी के रूप में सत्ता पर काबिज थी। अभी तक उनके शासनकाल में 15 प्रधानमंत्रियों ने उनके साथ काम किया है। 21 जनवरी 1961 को महारानी एलिजाबेथ सेकेंड भारत दौरे पर आई थी। इस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पालम एयरपोर्ट पर रिसीव किया। इस दौरान इंदिरा गांधी भी उनके साथ थी। हालांकि ये दौरा काफ़ी चुनौती भरा था क्योंकि उस वक्त भारत को आज़ाद हुए महज 15 साल हुए थे। एलिजाबेथ आगरा भी गई थी और ताज का दीदार भी किया था। 7 नवंबर 1983 को वो दूसरी बार भारत आईं। उस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनका स्वागत किया था। राष्ट्रपति जैल सिंह संग महारानी एलिजाबेथ ऐतिहासिक बग्घी पर सवार होकर राष्ट्रपति भवन पहुंची थी। 15 नवंबर 1983 को राष्ट्रपति भवन में मदर टेरेसा संग उनकी मुलाकात हुई। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने पहली शाही यात्रा 1970 में ऑस्ट्रेलिया में की थी। इस दौरान वे सिडनी में लोगों के बीच से गुजरी थी। आपको बता दें कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने अपनी पहली शाही यात्रा के दौरान सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ा था। उन्होंने जनता को दूर से वेव करने के बजाय करीब से ग्रीट किया था।
वह ब्रिटेन पर सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली रानी थी। 9 सितंबर 2015 को उन्होंने अपनी परदादी महारानी विक्टोरिया के सबसे लंबे शासनकाल के कीर्तिमान को तोड़ दिया और ब्रिटेन पर सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली बन गई। प्रिंस फिलिप एलिजाबेथ को प्यार से लिलीबेट बुलाती थी। शादी के 73 साल बाद प्रिंस फिलिप का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। तो दोस्तों, ये थी कुछ क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।